मध्य प्रदेश सरकार के SSC अपर मुख्य सचिव डॉक्टर राजेश राजौरा ने सड़क दुर्घटनाओं पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि इसे रोकने के लिए और अधिक प्रयास किए जाएं। उसके बावजूद झाबुआ लोक निर्माण विभाग द्वारा मेघनगर से मदारी मार्ग का निविदा टेंडर के लिए जारी कर दिया गया। आपको बता दें कि झाबुआ जिले में वर्ष 2022 में लगभग 2300 से अधिक लोग सड़क दुर्घटना के शिकार हुए हैं। उनमें से 1800 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। वहीं मेघनगर से मदरानी सिंगल पट्टी मार्ग, जिसे मौत का रोड भी कहा जाता है, इस रोड की लंबाई 15 किलोमीटर के लगभग है। इस रोड पर दो माइंस व रोड ट्रैफिक के भारी दबाव के कारण आए दिन हादसे होते रहते हैं। लंबे समय से इस रोड के चौड़ीकरण कर नवनिर्मित रोड बनाने की मांग स्थानीय ग्रामीण जन कर चुके हैं। उसके बावजूद इस रोड का डबल पट्टी रोड न बनाकर उसी रोड पर डामीकरण की नई निविदा जारी कर दी गई, जिससे स्थानीय ग्रामीणों सहित क्षेत्रीय विधायक ने आपत्ति लेते हुए झाबुआ लोक निर्माण यंत्री से बातचीत कर टेंडर प्रक्रिया को कैंसिल कर डबल पट्टी रोड निर्माण करवाने की बात कही कि यहां पर ट्रैफिक का बहुत दबाव है। आसपास कम से कम 50-60 गांव की जनता का आना जाना यहां लगा रहता है। अभी सुनने में आए कि वन पट्टी का यहां पर जो टेंडर लगा है उसका हम लोग विरोध करते हैं। जब तक डबल पट्टी अगर यहाँ नहीं होगी तो आने वाले हर चुनाव हम लोग बहिष्कार करेंगे और आए दिन यहाँ पर दुर्घटना होती रहती है। अभी 2 या 3 महीने पहले हमारे यहाँ नाके पे 3 से 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जिसके पहले एक हमारा भाई अपने काम से जा रहा था उसकी भी दर्दनाक मौत हो गई है। ऐसी स्थिति में अगर जो डबल पट्टी रोड यहाँ पर मंजूर नहीं होता है तो पूरे क्षेत्र के लोग इसका हम उग्र आंदोलन करेंगे और आगामी हर चुनाव हम लोग बहिष्कार करेंगे। आए दिन रंभापुर और मदरानी मार्ग में बहुत सारी दुर्घटना हो चुकी है और काफ़ी लोग परेशान है। वो हम नहीं चाहते हैं जो आगे भी उसके लिए वन पट्टी तो पहले से भी है पर हम 2 पट्टी की मांग है हमारी और वो बनना चाहिए। नहीं तो हम सभी कार्यकर्ता एवं सभी ग्रामवासी 2023 में चुनाव जो होंगे उसमें सारे लोग बहिष्कार करेंगे। भाई मेघनगर मदरानी मार्ग पूरे क्षेत्र की जनता की मांग है और हमने कई बार जो है उसकी पूरी प्रधानमंत्री वालों से, सड़क विकास प्राधिकरण वाले PWD से और ये सबसे पूरा अलग अलग उसका मैंने एस्टिमेट बनवा करके इस रोड की जानकारी ऊपर भिजवा करके और विधानसभा तक इस कार्रवाई को मैंने जैसे हमने लगवाई और उसको लेकर के क्षेत्र के लोगों की खास करके कि डेली प्रत्येक दिन मैंने 2 खदानें बड़ी है, राख फास्फेट की और मैग्नीज की, और उधर अपना धार्मिक स्थान पीपलकुटा रेलवे स्टेशन हजारों लोग आते जाते हैं, पुलिस थाना और अपना तहसील कार्यालय और क्षेत्र के लोग डेली जिले तक आने के लिए वो रोड है और 2 राज्य से जुड़ी हुई है, उसकी खास करके चौड़ीकरण की मांग है और उसको लेकर के अभी PWD से जानकारी हमने ली है कि ऊपर वो थोड़ा सा डामरीकरण करने के लिए स्वीकृति 1 करोड़ और कुछ 30 लाख की हुई है। हमने अभी PWD से बात करी है तुरंत तत्काल, मैंने कहा अभी उसको अब उसको नहीं किया जाएगा नहीं तो 500,000 लोग इकट्ठे होकर मारेंगे, क्योंकि वो काम सही करने के लिए समस्या ये है खास करके रोड का चौड़ीकरण। अब वो सिंगल पट्टी होने से डेली लोगों के हाथ पैर टूट रहे, डेली लोग एक न एक लोग मर रहा है, मैंने ऐसी स्थिति है उसको लेकर के हमने उसको चौड़ीकरण की मांग की है, ना कि उसके ऊपर सीमेंट वो किया जाए मैंने डामरीकरण, वो नकली काम नहीं करने की ज़रूरत है क्योंकि उसको छोड़ा करने की ज़रूरत है। ये करके मैं अभी जा रहा हूँ PWD से बात करके, तत्काल क्षेत्र के लोगों में आक्रोश है और अभी 500,000 लोगों के दस्तखत करवा करके AC इंदौर और PS भोपाल और इनको एक कापी दे रहा हूँ कलेक्टर वगैरह को। अच्छा। नहीं नहीं हमने सब सारी कार्रवाई करवाई और उसके बाद भी सरकार की कहीं से कहीं तक उस और ध्यान आकर्षण नहीं है तो फिर उसके लिए कौन करेगा, फिर जनता उसके सामने उनके सामने निपटेगी जनता, वो तो देगी, वो तो सब कुछ होगा, बाकी अभी आज क्षेत्र की जनता की समस्या है उसको कौन करेगा, उसकी कौन सरकार, ये हम आज तैयारी कर रहे हैं। लगभग 70 से 75 गांव वाले आक्रोशित हैं क्योंकि इस रोड की हालत इतनी खराब है और ट्रैफिक भयंकर होने के कारण आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, जवान लड़के युवा लड़के मर रहे हैं और इस रोड पर ट्रैफिक इतना भयंकर ज़्यादा है कारण के इस रोड पे 2 माइंसें पड़ती हैं, एक धार्मिक स्थान पीपलकुटा पड़ता है और इस वजह से इस रोड पर ट्रैफिक ज़्यादा है और ये रोड 2 राज्यों को जोड़ता है, गुजरात व राजस्थान। गुजरात से आने वाले लोग भी इसी रास्ते से निकलते हैं एवं राजस्थान के लोग भी इसी रास्ते से निकलते हैं, आवागमन बहुत ज़्यादा है और प्रशासन से हम लगातार मांग कर रहे हैं परंतु किस कारण से इस रोड पे
ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और आने वाले समय के चुनाव में हम 70 से 75 गांव वाले इस चुनाव का बहिष्कार करेंगे। पूर्ण रूप से ये एकता होने जा रही है धीरे धीरे, और इसका परिणाम सामने दिखने को मिलेगा। यह मार्ग प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना द्वारा लंबाई 1487 किलोमीटर में 375 मीटर चौड़ाई में निर्मित किया गया था। वर्तमान में लोक निर्माण विभाग को हस्तांतरित किया गया है। त्वरित कार्यवाही के अंतर्गत मार्ग का नवीनीकरण कार्य की निविदा आमंत्रित की जाकर की गई है। जनप्रतिनिधि द्वारा 5.5 मीटर में बनाए जाने की मांग की जा रही है। विभाग द्वारा 2023-24 के बजट हेतु करने के लिए प्रस्ताव भेजा जा रहा है। स्वीकृति प्राप्त होने पर इसकी चौड़ाई बढ़ाई जाएगी।